गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल कुछ मैंने सवाल दिया था, जिसमें से कुछ लोग भेजे हैं और बाकी लोग तो किए नहीं। प्रयास कीजिए सॉल्व करके भेजने का। और आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, और ये है मैपिंग ऑफ फंक्शन। मैपिंग ऑफ फंक्शन में फंक्शन के बारे में हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं, आज टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। और बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं मैपिंग ऑफ फंक्शन। फंक्शन को हम लोग इस तरह से समझे थे कि दो सेट हमारा ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है, तो इसको लिखते हैं एफ सच दैट ए टू बी। तो ए उस फंक्शन का डोमेन होता है और बी को डोमेन होता है। और उसको हम लोग इस तरह से समझे थे कि अगर यह सेट ए है और ये सेट बी है, सेट ए हमारा डोमेन कहलाता है, तो इसका एलिमेंट हम लोग मान लेते हैं ए बी सी है, और सेट बी जो को डोमेन है उसका एलिमेंट 1 2 3 4 लेते हैं। तो उसमें था कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का एक इमेज बनता है किसमें, को डोमेन में। सेट बी का इमेज बनेगा सेट ए में, बी का इमेज बनेगा सेट बी के एलिमेंट 2 के साथ, सी का भी इमेज बनेगा। सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज बनेगा सेट बी में, तो ये फंक्शन कहलाएगा और ये फंक्शन डिफाइन है। कहने का मतलब सेट बी में जो एलिमेंट है वह एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट का इमेज है। और इसको हम लोग इस तरह से भी बोलते थे कि 1 प्री इमेज है, 1 का प्री इमेज क्या कहलाएगा, ए का इमेज 1 कहलाएगा। तो 1 का प्री इमेज हम लोग कहते हैं ए। इस तरह से हम लोग फंक्शन को डिफाइन किए थे। कहने का मतलब कि प्रत्येक एलिमेंट डोमेन का उसका यूनिक इमेज को डोमेन में हमारा बनता है। अगर फंक्शन इस तरह का हो, सेट ई है, सेट पी है, इसमें हमारा एलिमेंट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कुछ भी, अगर ऐसा हो कि वन ए का इमेज 1 हो और ए का इमेज 2 भी हो, बी का इमेज 3 हो, तो यहाँ पर देखेंगे कि डोमेन में ए एलिमेंट जो है सेट ए का, ए एलिमेंट उसका 2 इमेज बन रहा है, तो यह फंक्शन हमारा नहीं होगा। किसी भी एलिमेंट का 2 इमेज नहीं बन सकता है, ठीक है। तो फंक्शन का सही डिफिनेशन ये है। तुम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन एग्जिस्ट ओनली इफ एवरी एलिमेंट इन डोमेन अर्थात सेट ए देयर यूनिक इमेज
इन कोडोमेन, अर्थात सेट बी। प्रत्येक एलिमेंट डोमेन का, जो प्रत्येक एलिमेंट होगा उसका यूनिक इमेज बनेगा कोडोमेन में, तो वह फंक्शन कहलाएगा। या हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए देयर एग्जिस्ट वन एंड only one element of B। ठीक है, इस तरह से हम लोग फंक्शन को इससे पहले भी इसी तरह से डिफाइन किए थे और इसी तरह से समझे थे। आज हम लोग को पढ़ना है काइंड्स ऑफ फंक्शन। काइंड्स ऑफ फंक्शन, इसमें हम लोग पांच टाइप के फंक्शन पढ़ेंगे। वैसे चार टाइप का ही फंक्शन होता है, पांचवा दो फंक्शन को कंबाइंड कर देने के बाद पांचवा टाइप का फंक्शन बनेगा। तो हम लोग चार समझ लेंगे तो पांचवा अपने आप हो जाएगा। पहला फंक्शन है वन वन फंक्शन, इसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, या इसको हम लोग बोलते हैं सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव फंक्शन। चौथा इनटू फंक्शन, इसको हम लोग पढ़ते हैं बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन। पांचवा, पांचवा के बारे में बोले थे वन वन और ऑन टू, इस दोनों को मिला देंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं वन वन पहला फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। मतलब जो फंक्शन वन वन भी हो और ऑन टू भी हो तो वह हो जाएगा वन वन ऑन टू, और इसका दूसरा नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। सॉरी, इन टू फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव नहीं बोलते हैं, वन वन ऑन टू को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन और वन वन ऑन टू को हम लोग बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इतने तरह का हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे हम लोग वन वन फंक्शन से। वन वन फंक्शन क्या होता है और वन वन फंक्शन कैसे प्रूफ करेंगे, कोई भी फंक्शन वन वन होगा तो किस तरह से दिखाएंगे कि यह वन वन फंक्शन है, उसका हम लोग मेथड भी पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, या इसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। बस समझ में आनी चाहिए, बहुत ही आसान है इंजेक्टिव फंक्शन को समझना और इसको प्रूफ करना भी।
पहले हम एग्जांपल से शुरू करते हैं, इसको समझते कैसे हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन कंसिडर कीजिए ए टू बी एंड फंक्शन भी दिया हुआ है एफ एक्स इजकल टू टू एक्स प्लस वन, और ए और बी भी कंसिडर कर लीजिए। ए और बी दोनों नेमिटी सेट है, ए डोमेन है बी को डोमेन है, तो इसका इसको भी कुछ कंसिडर कर लीजिए। ए हमारा है वन थ्री फाइव और बी हमारा है थ्री सेवन एलेवन और फिफ्टीन। क्या हो रहा है ये भाई, एलेवन और फिफ्टीन। अब देखिए क्या है हमारा सेट ए सेट बी। सेट ए का एलिमेंट है वन थ्री और फाइव। अब सेट ए में वन थ्री फाइव है तो सेट बी में का एलिमेंट क्या है थ्री सेवन एलेवन और फिफ्टीन दिया हुआ सेट ए और सेट बी। अब आपका सेट ए का जो एलिमेंट है उसका इमेज सेट बी में क्या होगा, कैसे तय करेंगे, एफ रूल के तहत। फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स इजकल टू टू एक्स प्लस वन। अब आपका एक्स जब वन होगा तो एफ एक्स अर्थात एफ वन कितना हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू उस फंक्शन में रखेंगे तो टू इंटू वन प्लस वन इक्वल्स टू थ्री। कहने का मतलब वन का इमेज क्या हो गया थ्री। अब एक्स का दूसरा वैल्यू क्या होगा, एक्स कहाँ से है, डोमेन है सेट ए में एक्स है, एक्स का दूसरा वैल्यू क्या है थ्री है, तो आप एफ थ्री निकालिएगा तो क्या हो जाएगा टू इंटू थ्री प्लस वन कितना हो जाएगा सेवन। तो थ्री का इमेज क्या बना सेवन। अब एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे आप, तीसरा क्या है फाइव, तो एफ फाइव कितना हो जाएगा तो टू इंटू फाइव प्लस वन इक्वल टू एलेवन। तो फाइव का इमेज क्या बन गया एलेवन। अब आप इस पर ध्यान दीजिए, अब देखिए सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का अलग अलग इमेज है, सेट बी में सबका अपना एक यूनिक इमेज है। जब इस तरह का फंक्शन हो तो इसको हम लोग बोलते हैं वन वन फंक्शन। जब सेट ए के अर्थात डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में यूनिक इमेज बने, मतलब अलग इमेज बने, अलग अलग इमेज बने, तो हम लोग उसको वन वन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसका देखिए प्रत्येक एलिमेंट एवरी एलिमेंट इसमें क्या है सबका डिस्टिंक्ट इमेज है, अलग अलग इमेज है। वन का इमेज थ्री, थ्री का इमेज सेवन, फाइव का इमेज एलेवन। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वन वन फंक्शन। ये फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सेट टू बी वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, वन वन फंक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए have different image in B. सेट A के प्रत्येक एलिमेंट का different image सेट B में बनता है तो वह फंक्शन क्या कहलाता है, वन वन फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका डिफिनीशन, इसको हम लोग समझ लिए। अब
इसके बनाने का तरीका क्या है, मेथड क्या होगा। मेथड हम आपको बताते हैं कि सवाल में कैसे हम प्रूफ करेंगे कि यह वन वन फंक्शन है, उसका आपको हम मेथड बनाते हैं। तीन मेथड है इसका, जिसमें से अभी आप लोगों को दो मेथड से बनाना है, तीसरा मेथड जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे तब उसको इस्तेमाल करेंगे। मेथड पहला, पहला मेथड है हमारा, इसको बोलते हैं थ्योरेटिकली मेथड। थ्योरेटिकली क्या होता है और कैसे प्रूफ करते हैं, क्या कीजिए आप सवाल में, तो दिया रहेगा एफ सच दैट, डोमेन और कोडोमेन भी दिया रहेगा, फंक्शन भी दिया रहेगा आपको वाई इजकल टू एफ एक्स, ये सब दिया रहेगा। तब आपको चेक करना है कि यह फंक्शन वन वन है कि नहीं। आप क्या करेंगे, मान लेंगे लेट दो एलिमेंट डोमेन से आप मान लेंगे कि एक्स वन और एक्स टू, यह दो एलिमेंट जो है वह R में है, मतलब R इसका डोमेन है, ये आपका डोमेन है। इस डोमेन में बहुत सारे एलिमेंट हैं, उसमें से दो एलिमेंट आपने x1 x2 ले लिया। फिर आप क्या करेंगे, इस fx में x1 x2 को रखेंगे, fx में x1 x2 को रखेंगे, तो fx1 निकालेंगे और उसको फिर fx2 निकालेंगे, उसको आप इक्वल कर देंगे, ठीक है। एफ एक्स वन और एफ एक्स टू को आप क्या किए, इक्वल कर दिए, और इक्वल करने के बाद आप उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद अगर एक्स वन इजकल टू एक्स टू आ गया तो फंक्शन क्या कहलाएगा, वन वन फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। क्या करना है, पहले डोमेन से दो एलिमेंट ले लेना है एक्स वन एक्स टू, उस दोनों एलिमेंट को फंक्शन में रख देना है, तो एफ एक्स हमारा फंक्शन है, एक्स वन रखे तो एफ एक्स वन हो गया, एक्स टू रखे तो एफ एक्स टू, और हमने अपने मन से उसको बराबर कर दिया। करने के बाद उसको सॉल्व करके जब हम एक्स वन बराबर एक्स टू दिखा देंगे तो वह फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। या दूसरा आप ऐसा करें कि एफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू कर दें, एफ एक्स वन और एफ एक्स टू डिफरेंट है, फिर इसको सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ जाए तब भी यह प्रूफ हो जाता है कि यह वन वन फंक्शन है, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब दूसरा मेथड जो है वह है ग्राफिकली मेथड। अब चूंकि आप लोग ग्राफ से भागते हैं, हम लोग बहुत सारे फंक्शन को हम लोग इससे पहले डिफाइन किए, उस फंक्शन का ग्राफ भी निकाले थे, इसलिए कि अभी वह ग्राफ काम आएगा। अब देखिए ग्राफिकली कैसे प्रूफ करेंगे वन वन फंक्शन को, ग्राफिकली कैसे प्रूफ करेंगे वन वन फंक्शन को, वन वन फंक्शन का क्या नेचर है उसको समझिए कि फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वह एक कर्व है, कर्व निकाल लेंगे। अगर उसके कर्व को एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचेंगे और वह उस कर्व को एक से अधिक पॉइंट पर अगर कट कर गया तो वह फंक्शन वन वन नहीं कहलाएगा, ठीक है। कहने का मतलब कर्व जो है, फंक्शन जो है, उस फंक्शन का जो भी ग्राफ आएगा वह ग्राफ को एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगा तो वह फंक्शन वन वन कहलाएगा। जैसे आपको हम एक फंक्शन लेते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, एफ एक्स इजकल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन लिए, ठीक है। तो एफ एक्स अगर वाई है तो इसी को हम लोग वाई इजकल टू एक्स भी लिखते हैं, ठीक है। अब क्या कीजिए आप, एक्स वाई प्लेन पर वाई इजकल टू एक्स को
ड्रॉ कीजिए। तो आपको y इक्वल टू x ये लाइन हो जाएगा, ये आपका हो गया y इक्वल टू x। अब यह वन वन फंक्शन है, कैसे चेक करेंगे? तो हमने क्या कहा था कि x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचेंगे, x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचेंगे, x एक्सिस के पैरेलल। अब आप देखिए वह लाइन उस कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, ये देखिए दूसरा लाइन भी एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, उस कर्व को x एक्सिस के पैरेलल लाइन एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। तो यह फंक्शन y इक्वल टू x जो है वह क्या है, वन वन फंक्शन है। ठीक है, आपको एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। आप एफ एक्स इक्वल टू ले लीजिए मॉड एक्स, ये है आपका मोडुलस फंक्शन। इसको आप चेक कीजिए ग्राफिकली कि यह वन वन फंक्शन है कि नहीं है। तो ये हमारा एफ एक्स वाई है, तो वाई इक्वल टू क्या हो गया, मॉड एक्स। अब मॉड एक्स का ग्राफ हम लोग मोडुलस फंक्शन जब पढ़ रहे थे तो उस टाइम में हम लोग किए थे, तो वह फंक्शन इस प्रकार होता है। मोडुलस फंक्शन का ग्राफ y इजकल टू एक्स, वाई इजकल टू माइनस एक्स, ये ग्राफ आपका क्या है, y इजकल टू मॉड एक्स का। अब आप क्या कीजिए, x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए, x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए, खींचे तो क्या देखें कि मोडुलस फंक्शन को दो पॉइंट पर वो कट कर रहा है। आपको दिख रहा होगा कि वह कर्व को x एक्सिस के पैरेलल लाइन दो पॉइंट पर कट कर रहा है, तो क्या हुआ, मॉड एक्स इज नॉट वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। ठीक है, दो मेथड हो गया आपका, थ्योरेटिकली आपने उस तरीके से प्रूफ करना है, ग्राफिकली आपको इस तरीके से प्रूफ करना है। ग्राफिकली दिखाने के लिए आपको सभी फंक्शन का ग्राफ खींचना होगा, एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का, साइन एक्स का, सबका, जितने भी फंक्शन हैं। अभी आपसे हम पूछ दें कि हम लोग पढ़े थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब बताइए कि वह वन वन फंक्शन है कि नहीं है। अगर आपको ग्राफ अगर याद होगा तो एकदम मन से ही आप बता देंगे देख के कि वह वन वन होगा या नहीं होगा। जैसे हम कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आप देखे होंगे उसमें स्ट्रेट लाइन जैसा आता था इंटरवल में ग्राफ, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आता था, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जब खींचेंगे तो एक से अधिक पॉइंट पर उसको कट करेगा, इसीलिए वो वन वन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, सवाल करेंगे उस टाइम में ग्राफ से भी प्रूफ करेंगे। तीसरा मेथड, यह मेथड बहुत ही महत्वपूर्ण है और आसान है और बहुत ही आसानी से ये चेक होता है, इसको बोलते हैं कैलकुलस मेथड। तीसरा कैलकुलस मेथड या बाय कैलकुलस। बाय कैलकुलस कहने का मतलब, डिफ्रेंसिएशन के बाद हम लोग इसको यूज करेंगे, लेकिन आपको हम लोग आपको आप लोगों को बता देते हैं कि कैसे हम लोग दिखाएंगे वन वन फंक्शन को। डिफ्रेंसिएशन तो अभी पढ़ना ही है, बस दो तीन क्लास के बाद हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो उस टाइम में समझ में आ जाएगा। तो क्या करते हैं इसमें कि जो फंक्शन दिया रहेगा जिसका हमको वन वन चेक करना है कि वन वन फंक्शन है कि नहीं, उस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर आपको y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है तो एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम लोग लिखते हैं एफ डैश एक्स। जब एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किए तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। और वह एफ डैश एक्स को हम लोग जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे उस टाइम में इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ेंगे, डिफ्रेंशिएशन के जस्ट बाद उसका एप्लीकेशन है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना पढ़ेंगे, मिनिमम वैल्यू निकालना सीखेंगे, तो उस टाइम में इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, तो एफ डैश एक्स का हम लोग देखेंगे कि वह इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं है। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो फॉर ऑल एक्स के लिए, एक्स क्या यहाँ पर है, डोमेन है, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, एक्स के सभी वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, या अगर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया सभी एक्स के वैल्यू के लिए, जो एक्स हमारा क्या है,
डोमेन है या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो वह फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, वन वन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, एफ एक्स इज वन वन व्हेन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन या क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा या डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अभी थोड़ा सा ये मेथड थोड़ा सा लगा होगा कि कैसे बनाएं कैसे नहीं, आप इसको इतना ही समझ के रख दें, फिर हम लोग जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ रहे होंगे उस टाइम में फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। अब ये बताओ ये फंक्शन वन वन है कि नहीं है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, फिर उसमें उसका कुछ मेथड है इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाने का, प्रूफ करेंगे। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया एक्स के सभी वैल्यू के लिए तो वह फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा, या डिक्रीजिंग हो गया तो वह फंक्शन वन वन हो गया एक्स के सभी वैल्यू के लिए। यह तीन मेथड है वन वन फंक्शन प्रूफ करने के लिए। अब क्या करते हैं, एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं ताकि हम इसको समझ सके कि वन वन फंक्शन कैसे दिखाएंगे। सवाल लेते हैं, गिवन एफ सच दैट आर टू आर, फंक्शन हमारा है एक्स क्यूब, सो दैट एफ एक्स इज वन वन फंक्शन। कौन सा फंक्शन लिए हम लोगों ने, एक्स क्यूब फंक्शन लिए, और हमको दिखाना है कि यह वन वन फंक्शन है कि नहीं है। हम दो मेथड से इसको आपको बताते हैं, एक थ्योरेटिकली मेथड जो हमारा पहला था वो, और ग्राफिकली आपको ये बताएंगे कि वन वन कैसे चेक करेंगे और क्या करेंगे। सॉल्यूशन देखिए इसका, क्या बताए थे थ्योरेटिकली में, हम लोग अपने मन से दो वैल्यू ले लेते हैं एक्स वन और एक्स टू, कहाँ से लेते हैं, आर से ले लिए, एक्स वन एक्स टू दो एलिमेंट हम लोग रियल नंबर अर्थात उसके डोमेन से ले लिए। अब हमारे पास एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब है, तुम क्या बोले थे एफ एक्स वन निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वन का क्यूब, फिर एफ एक्स टू निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स टू का क्यूब, और फिर हम उसके बाद बोले थे कि आप एफ एक्स वन को इक्वल कर दीजिएगा एफ एक्स टू के और फिर इसको सॉल्व कीजिए। तो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू का मतलब एक्स क्यूब एक्स वन क्यूब इक्वल टू एक्स टू क्यूब, ठीक है, एफ एक्स वन और एफ एक्स टू कर दिए और इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो एक्स वन क्यूब इसको इधर ले आते हैं तो माइनस एक्स टू क्यूब इक्वल्स टू जीरो। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं, किसका, एक्स वन क्यूब माइनस एक्स टू क्यूब का फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स टू का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है, उसको हम लोग फैक्टर कर लिए। अब दो फैक्टर इसका मिला एक्स वन माइनस एक्स टू और एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स टू का स्क्वायर। अब आप देखिए ये पार्ट जो है ये परफेक्ट स्क्वायर में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये आपको जीरो के बराबर नहीं होगा। तो एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स टू का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन एक्स वन माइनस एक्स टू इजिकल टू क्या हो जाएगा जीरो, तो क्या हो जाएगा एक्स वन बराबर एक्स टू। यही हम दिखाने के लिए बोले थे,
कि fx1 इक्वल टू fx2 हम लोगों ने अपने मन से मान लिया, फिर वैल्यू रखा और उसको सॉल्व करके अगर x1 इक्वल टू x2 दिखा देंगे तो वह फंक्शन क्या कहलाएगा? fx इज 1 1 फंक्शन कहलाएगा। या दूसरा तरीका क्या बोले थे कि fx1 नॉट इक्वल टू fx2, फिर उसका वैल्यू रखें, फिर उसको सॉल्व करें और उस फाइनल रिजल्ट क्या आना चाहिए, x1 नॉट इक्वल टू x2, तब भी वह क्या कहलाएगा, 1 1 फंक्शन कहलाएगा। ये हो गया इसका थियोरेटिकली दिखाना, इस तरह से दिखा करके हम लोग 1 1 दिखाएंगे। ग्राफिकली देखिए तो क्या करना होगा, एक्स क्यूब का ग्राफ खींचना होगा। जो आप लोगों को याद नहीं होगा तो बचपन में भी ग्राफ खींचने का हम लोग एक आसान सा तरीका सीखे थे, उसी तरीके से हम आपको बताते हैं कि ग्राफिकली मेथड क्या है। क्या करेंगे, fx इजकल टू क्या है, एक्स क्यूब, अर्थात y इजकल टू क्या है, एक्स क्यूब। ग्राफ खींचते हैं तो एक्स वाई प्लेन लेते हैं, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस, वाई डैश। कैसे हम लोग ग्राफ खींचते थे, इस फंक्शन में एक्स और एक्स का वैल्यू अपने मन से कुछ रखते हैं और वाई निकाल लेते हैं, फिर उसको हम लोग उसी तरीके से पॉइंट ड्रॉ करके एक्स रख लीजिए, इसमें वाई रख लीजिए। अब देखिए एक्स अगर जीरो लेंगे तो वाई क्या हो जाएगा, जीरो का क्यूब जीरो, एक्स वन लिए तो वाई क्या हो जाएगा, वन क्यूब, तो वन हो जाएगा, एक्स टू लिए तो टू का क्यूब एट हो जाएगा, एक्स अगर माइनस वन लिए तो वाई क्या हो जाएगा, माइनस वन का क्यूब माइनस वन, एक्स अगर माइनस टू लिए तो माइनस टू का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस एट। ठीक है, काफ़ी है इतना वैल्यू, इसी वैल्यू से हम लोग निकाल लेंगे। अब इसको इक्वल पार्ट में आप बांट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 1 2 3 4, इसी तरीके से 1 2 3, इधर भी 8 पार्ट कर लीजिए, 8 है हमारा वैल्यू वाई तरफ, इसलिए 2 3 4 5 6 7 और 8। थोड़ा सा आप लोग बड़ा ग्राफ बनाइएगा। अब देखिए x 0 तो y 0, x 0 तो y 0, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, x 0 तो y 0, ये पॉइंट हो गया, x 1 तो y भी 1, x 1 तो y भी 1, क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, सही है, x 2 तो y 8, x 2 तो y 8, यहाँ हो जाएगा। अब x माइनस वन तो y भी माइनस वन, x माइनस वन तो y भी, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। x माइनस टू तो y माइनस एट, x माइनस टू यहाँ पर है तो y, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, y वन, तो x माइनस टू तो y माइनस टू के सामने कीजिए तो यहाँ हो जाएगा। अब इस पॉइंट को मिला दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, वाई क्यूब का ग्राफ हो जाएगा, ये दरअसल ऐसे जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया वाई इजकल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, ग्राफ खींच लिए। अब क्या तरीका बताए थे कि आप क्या कीजिए कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचिए, कहीं भी आप खींच सकते हैं लेकिन एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए और उस कर्व को एक ही पॉइंट पर कट करना चाहिए। अब देखिए जितने भी लाइन आप खींचेंगे वह उस कर्व को एक ही पॉइंट पर कट करेगा। यहाँ भी खींचिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल लिए, यहाँ देखो एक ही पॉइंट पर कट करेगा, और लेते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, वह भी एक ही पॉइंट पर कट करता है,
तो इस तरीके से यह फंक्शन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब जो है यह क्या है, वन वन फंक्शन है, ठीक है। वन वन दिखाने के लिए हम लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लिए और हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। और इसके बाद अपने से कुछ सवाल करेंगे तो और भी आसान लगेगा। अब देखिए दूसरा फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं, मेनी वन फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या था, मेनी वन, कुछ भी नहीं है ये, मेनी वन, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन को सिर्फ ऐसे समझिए, जो फंक्शन वन वन नहीं है वह मेनी वन है। कहने का मतलब वन वन फंक्शन में आपने क्या देखा था कि सेट ए है, और ये सेट बी है, यह अभी सर्कुलर बन जाए, ये हमारा सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए का एलिमेंट मान लीजिए ए बी सी और डी, और सेट बी का एलिमेंट ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। हम लोगों ने वन वन फंक्शन में क्या समझा था कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज बने सेट बी में। अब इसमें यूनिक न बन के, ठीक है, या डिस्टिंक्ट इमेज बने सेट ए के एलिमेंट का, सेट बी में डिस्टिंक्ट इमेज बने, अलग अलग, अलग अलग नहीं हो, कुछ कॉमन हो जाए। जैसे ए का 1 बन गया, बी का इमेज 2 हो जाए, ठीक है, सी का इमेज 3 हो जाए और डी का इमेज भी 3 हो जाए, डी का इमेज। तो 3 क्या है, 3 का प्री इमेज 2 हो जाए, सी और डी, 2 इमेज हो गया। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलेंगे मेनी वन फंक्शन, ठीक है। क्या कहेंगे, अगर फंक्शन डिफाइंड हो ए टू बी इज सेट टू बी मेनी वन फंक्शन, इफ टू और मोर देन टू या मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव सेम इमेज इन बी, ठीक है, सी का भी 3 है और डी का भी 3 है, तो सी और डी का क्या है, सेम इमेज है, तो ऐसे फंक्शन को क्या करेंगे, कहेंगे मेनी वन फंक्शन कहेंगे। या दूसरे शब्दों में सिर्फ ये बोलो ना कि जो वन वन नहीं हो, इफ एफ इज नॉट वन वन देन एफ इज मेनी वन फंक्शन, ठीक है। अब इसका मेथड मेनी वन कैसे दिखाएंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसका मेथड देखिए, इसका अपना कोई मेथड नहीं है, वही वन वन का मेथड है, ठीक है। इसका मेथड क्या है कि जो मेथड, जैसा वन वन का है सेम एज वन वन, वन वन के लिए हम लोग थ्योरेटिकली जो प्रूफ करते हैं उस तरह से दिखाएंगे, अगर वो वन वन नहीं दिखा तो हम लोग लिख देंगे मेनी वन, जो फंक्शन वन वन नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, मेनी वन। तो इसमें ये मेथड हम लोग वही इस्तेमाल करेंगे। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, तीसरा तीसरा फंक्शन या मेनी वन पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं मेनी वन, ताकि आपको लग जाए कि मेनी वन कैसे प्रूफ करेंगे। एक ले लीजिए एफ, डिफाइन कर लीजिए आर टू आर
डोमेन भी रियल है, कोडोमेन भी रियल है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो दैट एफ एक्स इज मेनी वन फंक्शन। ठीक है, अब आप देखिए जैसा हम लोग वन वन में किए थे उसी तरह से हम लोग करेंगे। क्या हम बताए थे कि दो एलिमेंट आपको लेना है डोमेन से, लेट एक्स वन और एक्स टू, दो एलिमेंट लिए किससे, डोमेन से, आर से, और उसको हम लोग को किस में रखना है, फंक्शन में रखना है। तो एफ एक्स हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स वन क्या हो जाएगा, एक्स वन का स्क्वायर, एफ एक्स टू क्या हो जाएगा, एक्स टू का स्क्वायर। और फिर हम क्या बताए थे कि अपने मन से आप एफ एक्स वन को एफ एक्स टू के इक्वल कर दीजिए, फिर आप उसका वैल्यू रखें, तो ये होता है एक्स वन स्क्वायर और ये हो गया एक्स टू स्क्वायर। और फिर इसको आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद अगर यह एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया तो वन वन हो जाएगा, और नहीं आया तो मेनी वन हो जाएगा। सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए, उसको इधर ले आइए, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, मेटल से हो रहा लगता है, अब इसको फैक्टर कीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू जीरो। अब एक्स वन एक्स टू दो डिफरेंट नंबर है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आइदर एक्स माइनस वन, एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू जीरो, और एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू जीरो। अगर एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू। कहने का मतलब क्या हो गया कि एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू, तो हम क्या बोले थे, क्या आना चाहिए, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। ठीक है, यहाँ से तुमको केस मिल जाएगा कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे डोमेन में जिसके लिए एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू होगा, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज मेनी वन, मेनी वन फंक्शन। ठीक है, हम लोग मेनी वन को इसी तरीके से दिखाएंगे। अब इसके बाद हम लोग तीसरा फंक्शन पढ़ते हैं और वह है ऑन टू फंक्शन। तीसरा फंक्शन है ऑन टू फंक्शन और उसी को हम लोग बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। तीसरा फंक्शन है ऑन टू फंक्शन, या इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, ये बहुत ही आसान है। हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग एक फंक्शन लेते हैं f सच दैट a टू b, सेट a है और ये हमारा सेट b है। ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि सेट b में जितने भी एलिमेंट हैं वह सभी एलिमेंट किसी न किसी का इमेज हो। किसका इमेज होगा, तो सेट a के एलिमेंट का इमेज होगा। मान लेते हैं इसमें एलिमेंट है वन टू थ्री और सेट बी में एलिमेंट है ए और बी। जब सेट बी का सभी एलिमेंट इमेज हो,
किसी न किसी का इमेज हो। यहाँ पर देखिए, वन का इमेज ए, टू का इमेज बी और थ्री का इमेज भी बी। अब आपको दिख रहा होगा स्पष्ट कि सेट बी में क्या है, सेट बी में दो एलिमेंट हैं ए और बी, और वह क्या है, इमेज है। ठीक है, तो क्या स्पष्ट हो गया कि जो इमेज होता है सेट बी में, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट किसी ना किसी के इमेज होता है उसका अगर सेट बना लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। उसको क्या बोलते हैं, रेंज। तो रेंज ऑफ एफ इक्वल हो जाए कोडोमेन ऑफ एफ का, मतलब रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल हो जाए तो वह फंक्शन क्या कहलाएगा, एफ इज ऑन टू फंक्शन, एफ इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इफ एफ सच दैट ए टू बी इज, सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इन ए। ये सिंबल हमारा है एट लीस्ट, इसको हम लोग पढ़ते हैं एट लीस्ट। कहने का मतलब बी में जितने भी एलिमेंट हैं वह कम से कम किसी न किसी एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट का क्या है, वो इमेज है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन क्या कौन कहलाएगा, मतलब उस फंक्शन का रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाएगा तो वह फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। अब आपको मेथड बताते हैं किस तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे कि फंक्शन ऑन टू है। उसका देखिए, जिस फंक्शन का ऑन टू दिखाना होगा या चेक करना होगा जिस फंक्शन का कि यह ऑन टू है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसका रेंज निकाल लेंगे। फाइंड द रेंज ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है तो उसका क्या करेंगे हम लोग, रेंज निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, यह दिखा देंगे कि रेंज ऑफ वह फंक्शन अर्थात एफ एक्स इक्वल हो गया कोडोमेन ऑफ एफ एक्स के। रेंज निकाल लिए, फिर रेंज निकालने के बाद हम क्या दिखा देंगे कि उस फंक्शन का रेंज और उस फंक्शन का कोडोमेन इक्वल है तो वह फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। बस इसका एक ही मेथड है और उसी मेथड से हम लोग ऑन टू फंक्शन दिखाएंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑन टू फंक्शन कैसे दिखाते हैं। कंसीडर करते हैं, लेट सेट ए, लेट सेट ए हमारा है ऑल रियल नंबर में से, थ्री हटा लिए माइनस कर लिए, एंड सेट बी हमारा है ऑल रियल नंबर में से वन हटा लिए, एंड एफ सच दैट ए टू बी। अभी जो सेट ए और बी लिखे थे वो, इसका मतलब हो गया सेट ए डोमेन है और सेट बी को डोमेन है। फंक्शन हमारा दिया हुआ है एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, सो दैट
f is onto function, ठीक है। देखिए कैसे इसको दिखाते हैं हम लोग कि ये onto function है। एफ एक्स हमारा क्या है, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री। चलिए अगर हम ये पूछें इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इसकी जरूरत है नहीं लेकिन बस डोमेन निकाल लीजिए इसका, क्या हो जाएगा डोमेन ऑफ एफ, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स माइनस थ्री जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स थ्री नहीं होना चाहिए। तो इसका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर माइनस थ्री। अब देखिए सवाल में लेट ए इज इक्वल टू आर माइनस थ्री, वो क्या हो गया उसका डोमेन, तो सेट ए हमारा डोमेन है, डिफाइन ही किया है एफ सच दैट ए टू बी, तो डोमेन क्या है हमारा सेट ए है। अब हम ये बताए थे कि रेंज निकाल लेना है उस फंक्शन का, क्या करेंगे रेंज निकाल लेंगे। तो रेंज निकालने का तरीका आप लोगों को बताए थे कि एफ एक्स को आप क्या कीजिए वाई मान लीजिए और इसको सॉल्व करके एक्स निकाल लीजिए, वाई के फंक्शन के टर्म में आप एक्स निकाल लीजिए। तो क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, वाई इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एक्स माइनस टू, सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा वाई इंटू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू। एक्स वाले को एक जगह कर लीजिए, ठीक है, तो एक्स को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो एक्स कॉमन हो जाएगा तो वाई माइनस वन हो जाएगा इक्वल टू माइनस थ्री वाई को राइट साइड ले जाइए तो थ्री वाई माइनस टू हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक्स निकाल लेंगे तो थ्री वाई माइनस टू और नीचे हो जाएगा वाई माइनस वन, ठीक है, रेंज निकालने का ही तरीका है। फिर उसके बाद आप क्या करते थे, एक्स बी डिफाइंड व्हेन, एक्स कब डिफाइन होगा जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, तो यहाँ से y वन नहीं होगा तो y का वैल्यू ही रेंज कहलाता है। तो रेंज क्या हमारा हो गया, रेंज हमारा हो गया, रेंज ऑफ f क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर माइनस वन नहीं होगा तो वन को माइनस कर लिए, ठीक है। अब देखिए यही रेंज क्या, रेंज तो हमारा निकल गया, अब इसी रेंज को हम को डोमेन के बराबर प्रूफ कर दें तो क्या हो जाएगा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो को डोमेन प्रूफ करने के लिए क्या कीजिए, यहाँ पर एक्स का वैल्यू है, ये देखिए एक्स का वैल्यू आपने निकाला है, ये एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू आपका दिया हुआ है, एफ एक्स क्या दिया हुआ है देखिए सवाल में, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब एक्स के जगह आप ये वाला वैल्यू रखिए, यही ना है थ्री बाय माइनस टू, ठीक है, रखिए और देखिए फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इतना है तो एफ इतना क्या हो जाएगा, तो एक्स के जगह पर इसको रख देंगे। और अगर ये वाई आ गया, और अगर ये y आ गया तो मतलब डोमेन के इक्वल हो गया, ये क्या हो गया भाई, बहुत प्रॉब्लम हो रहा आज, थ्री वाई माइनस टू वाई माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स के जगह देंगे थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन माइनस टू डिवाइडेड बाय थ्री वाई माइनस टू
y माइनस वन माइनस थ्री। इसको आप सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आता है। अगर y आ गया तो डोमेन के बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ऊपर भी एलसीएम लेंगे, ऊपर एलसीएम लेंगे, y माइनस वन एलसीएम हो जाएगा, 3y माइनस टू माइनस टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस टू वाई, माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, नीचे भी y माइनस वन एलसीएम ले लीजिए तो 3y माइनस टू माइनस 3y या प्लस हो जाएगा 3, क्या हो गया 3y, ये माइनस टू प्लस टू कैंसिल, 3y में से 2y गया तो कितना हो जाएगा y, y माइनस वन, नीचे 3y 3y कैंसिल हो गया, माइनस टू प्लस थ्री वन हो गया, आ गया y, ठीक है। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वस टू को डोमेन ऑफ एफ एक्स, अर्थात एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। इस तरह से आपको ऑन टू फंक्शन निकाल लेना है। इसके बाद हम लोग तीसरा पढ़ लिए, चौथा फंक्शन है इनटू फंक्शन, ठीक है, कुछ भी नहीं है इनटू फंक्शन। चौथा है हमारा इनटू फंक्शन, बस कुछ नहीं करना है। जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वह क्या हो जाएगा इनटू, जैसे हम लोग मेनी वन पढ़े थे कि जो फंक्शन वन वन नहीं है वह क्या हो जाएगा मेनी वन हो जाएगा, उसी तरीके से जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वह क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा। ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज एन इनटू फंक्शन इफ एट लीस्ट एन एलिमेंट इन बी हैविंग नो प्री इमेज इन ए। सेट बी में कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका कोई प्री इमेज नहीं हो, कहने का मतलब को डोमेन में एक एलिमेंट ऐसा हो जो किसी का इमेज नहीं हो, आपको जिस तरह से बोलना हो आप बोल सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब एफ सच दैट ए टू बी इज इनटू फंक्शन, मतलब अगर ऑन टू नहीं होगा तो क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा, इफ इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। इसका मेथड क्या होगा, तो वही सेम मेथड किसके जैसा, ऑन टू फंक्शन के जैसा, ऑन टू प्रूफ कर रहे होंगे। इसका मेथड क्या हो जाएगा, सेम एज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम लोग दिखाएंगे, अगर ऑन टू फंक्शन प्रूफ नहीं हुआ या वह फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा इन टू फंक्शन हो जाएगा। अब आ जाइए पांचवा वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, ठीक है। और इसका नाम क्या बोले थे, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब इस फंक्शन के नाम से ही आपको स्पष्ट होगा कि वन वन ऑन टू, मतलब जिस फंक्शन को वन वन ऑन टू फंक्शन हमको दिखाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उस फंक्शन का वन वन चेक कर लेंगे,
फिर उस फंक्शन का ऑन टू चेक करेंगे, अगर वह फंक्शन दोनों हो गया, वन वन भी फंक्शन हो गया और ऑन टू भी फंक्शन हो गया, तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या मेथड, वही सेम मेथड, वन वन वाला और ऑन टू वाला। कुल मिलाकर के अभी हम लोग जो काइंड्स ऑफ फंक्शन पढ़े, इस पूरे फंक्शन में सिर्फ दो तरह का ही मेथड पढ़े, एक वन वन फंक्शन को वन वन दिखाने का, दूसरा ऑन टू दिखाने का। ठीक है, बाकी दो नहीं है तो उसका हो गया, और जब फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों हो जाएगा तो उसका हो गया बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। अब सवाल करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो ये और भी क्लियर होगा, और अगले दिन इसका हम सवाल करेंगे। इसके लिए एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2A, ये 12 का जो RS अग्रवाल है कि बुक से एक्सरसाइज 2A करना है, और 2A से पहले एक्सरसाइज 1B है। तो 1 में आपका क्या है, रिवीजन कराया है 11th का, जो आप फंक्शन पढ़े थे डोमेन रेंज निकालना, तो उस एक्सरसाइज A में आपका रिवीजन है, और एक्सरसाइज 2A में आपका ये मैपिंग ऑफ फंक्शन है, काइंड्स ऑफ फंक्शन है, इसको बनाना है। ठीक है, पिछले क्लास का में जो सवाल हम लोग दिए थे 3D 3E 3F, उसका आप लोगों का सॉल्यूशन आया नहीं मेरे पास, एक दो लोगों का आया है, बाकी लोगों का आया नहीं, आप उसको भी भेजिए और ये एक्सरसाइज 2A का भी भेजिए, और दोनों का कम्बाइंड हम लोग सवाल, कल सिर्फ हम लोग सवाल ही करेंगे और सॉल्यूशन ही हम लोग करेंगे। और थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिए, और आप लोग घर बैठ करके पूरा मौज मस्ती कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो मेहनत बेकार है। ठीक है, थैंक यू।